चक्र चलने लगेगा, लालटेन बुझ जाएगा, तीर कमान से निकल जाएगा, ये सब होगा। तेजस्वी यादव को बिहार की कुर्सी मिल जाएगी, नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे। मतलब ये कि आरजेडी और जेडीयू के विलय की तारीख अब करीब आ गई है। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद एक बार फिर जनता दल को जीवित करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि इस प्रयोग का असर यूपी और दूसरे प्रदेशों पर पड़ेगा और देश में एक बार फिर जनता दल का चक्र घूमने लगेगा। दिल्ली में होने वाला जेडीयू का राष्ट्रीय सम्मेलन इस मायने में काफी खास है। कुछ दिनों पहले आरजेडी का राष्ट्रीय सम्मेलन भी दिल्ली में हुआ था और लालू प्रसाद ने तेजस्वी यादव को पार्टी का नाम और निशान बदलने के लिए अधिकृत कर दिया था। अब बारी नीतीश कुमार की पार्टी की है। दरअसल मोकामा और गोपालगंज उपचुनावों में जेडीयू के वोट बैंक की पोल खुल गई और इस बात के संकेत मिले कि नीतीश कुमार के वोटों का खजाना खाली हो चुका है। इसके पहले कि जेडीयू बेपर्दा हो जाए, नीतीश कुमार भी चाहेंगे कि बात हमेशा के लिए पर्दे के पीछे ही रह जाए। इसके लिए दोनों पार्टियों का विलय ही एकमात्र रास्ता है। इसी वजह से बिहार को राजनीति का प्रयोगशाला में 27 साल पुरानी खिचड़ी पकाने की तैयारी चल रही है। सूत्र बताते हैं कि पुराना जनता दल फिर आकार लेने वाला है। मसौदा लगभग तैयार है। इसकी पटकथा आरजेडी के दिल्ली सम्मेलन में ही लिखी जा चुकी थी। अभी हाल ही के दिनों में तेजस्वी और नीतीश से इस संबंध में जब भी सवाल पूछा गया तो दोनों ने ही न तो इनकार किया और न ही इकरार। इससे भी सियासी बदलाव की अटकलों को और हवा मिल रही है। जब से लालू प्रसाद यादव के सामाजिक न्याय का नारा नीतीश कुमार और ललन सिंह ने बार बार लगाना शुरू किया, सूत्रों का कहना है कि विलय के बाद नई पार्टी का नाम जनता दल हो सकता है और पार्टी का सिंबल भी पुराना चक्र छाप हो सकता है। नई पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार होंगे और प्रदेश की कमान तेजस्वी यादव संभालेंगे। कहा जा रहा है कि विलय का प्रयोग बीजेपी के कार्ड के रूप में तैयार किया जा रहा है। नीतीश और लालू ये मानकर चल रहे हैं कि अगर दोनों का वोट बैंक और समीकरण बिहार में एक हो जाए तो बीजेपी इसका कार्ड नहीं ढूंढ पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।